एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कम करो। देखिए, तीन चार दिन पहले जो सिलेंडर की कीमत है इसकी, इसको बढ़ाया गया। जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी कीमत 50 रुपया बढ़ाई गई, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत लगभग 350 रुपया बढ़ाई गई। ये जो सिलेंडर की कीमतें दिन ब दिन ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमको नामंजूर है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऊपर से कुछ देर पहले यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स यहां पर लगाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर हमारे जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है बिल्कुल खराब कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आर्टिकल्स के पहले यहां पर पहले सियासतदानों ने, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पर हम लोगों के साथ अत्याचार किया। जब आर्टिकल्स रिमूव किए गए, लोगों ने सोचा यहां पर हालात ठीक हो जाएंगे। आर्टिकल के बाद यहां पर इंटरनेट बंद रहा, एक डेढ़ साल लोगों का काम काज बंद हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, लोगों का काम बंद हो गया। यहां पर आज आलम ऐसा है कि लोगों को राहत देने की जरूरत है, लोगों के पॉकेट में पैसे डालने की जरूरत है, लेकिन यहां पर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। जिसके हाथ में पैसे है, पॉकेट में पैसे, उससे छीन रही है। आपने देखा होगा यहां पर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर उनको सैलरी कभी कभी मिलती भी है तो 3-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद, और किसी की सैलरी 4,000 है 5,000 है 6,000 है। तो कहने का मतलब लोगों के पास यहां पर पैसा नहीं है। और यहां पर सरकार क्या कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स ठोक रही है, सिलेंडर की कीमतें बढ़ा रही है। ऐसे कैसे चलेगा मुझे बताइए। एक गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसलिए आज का जो हमने प्रोटेस्ट है, इस जो प्राइसेस इन्होंने रखे हैं इसके खिलाफ रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ रखा है। मुझे बताइए क्या चाहते हैं यहां सरकार, मुझे बताइए। ऑलरेडी यहां पर लोगों के पास काम काज नहीं है, लोग दुखी हैं। और खासकर मैं बताऊंगा बहू फोर के लोग और जो आसपास के लोग बहुत इतने दुखी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि यहां के युवा लोग नशे में जा चुके हैं। पिछले एक डेढ़ साल में यहां पर युवा लोगों ने मृत्यु की है। क्यों की है? क्योंकि लोग दुखी है। यहां पर ऐसी यहां पर साधन नहीं है। बाकी अगर स्टेट ड्यूटी की बात करें, वहां पर तरक्की हुई होगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में तरक्की बिल्कुल नहीं हुई। 1-2% तरक्की हुई, जबकि बाहर की स्टेट ड्यूटी में 30-40% या 50% हुई। और फिर से कहना चाहूंगा, आर्टिकल्स के बाद लोगों को लगा कि यहां पर ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? अभी एलजी साहब ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आपने देखा पहले भी उन्होंने ये एलजी साहब ने दिया था, बयान दिया था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा तंग गरीब लोगों को ही किया गया। आपने देखा जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, गरीब लोग सड़कों पे आए। क्यों आए? क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको ही तंग किया जा रहा था। लेकिन आगे देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूंगा अगर वो गरीब को परेशान नहीं किया गया, मगर वशों द्वारा लाए गए। देखिए, मैं एक तो उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ना, उसकी मुजम्मत करता हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के पास आईफोन है। अरे बताइए, करोड़ों में से कोई एक दुक्का होगा उसके पास आईफोन होगा। यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी मुजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ है हम। इसलिए भगवान की दया से ऐसा जुल्म हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मत करो। ये प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाओ, महंगाई को कम करो। और ये गैस सिलेंडर की कीमतें हैं, आप बढ़ाओ मत, उनका कम करो। लोगों के पास, लोगों की पॉकेट में पैसा दो, पैसा दीजिए। जो 50 रुपए गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाया गया, अगर ये कम नहीं किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, मैं कहता हूँ कि इसको आप कम कीजिए, बाकी कोई भी इशू ले लीजिए, जहां पर भी ये पब्लिक के खिलाफ कुछ करते हैं, हम लोग सड़कों पे आए हैं और आते रहेंगे। हम लोग सिर्फ लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है, आम जनता के लिए है, लेकिन ये लोग आम जनता के लिए नहीं है। फोर्ट में प्रोटेस्ट रखा गया, ये प्रोटेस्ट आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आम पब्लिक पर ये 50 रुपए सिलेंडर और थोप दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप हर एक तरह की हमें दे रहे हो, सिलेंडर बढ़ा रहे हो, कभी टैक्स बढ़ा रहे हो, आप रोजगार पे क्यों बात नहीं करते हो? हमें सिलेंडर 2000 दे दो, हम 2000 में सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन हमारी पॉकेट में भी तो पैसा दो। जिस बंदे की आमदनी जो है वो 4 से 5 हजार रुपया है, वो बेचारा 1100 रुपए का सिलेंडर कहां से लाएगा? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया हुआ है।
एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि अगर आप यूं ही गरीब को प्रदर्शित करते रहे, उन्हें दबोच रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक बंदा जो है वो रोड पे होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप कृपया गरीबों को दबोचना बंद करें। अगर आपको एक किचन नहीं संभाल सकते हो, एक घर की किचन तक नहीं संभाल सकते हो, तो आपका सरकार का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने ये जो सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ाए हैं, ये एक गरीब के मुंह पर तमाचा है। वो रात को खाना कहां से बनाएगा? पहले तो उसका खाने का अरेंज करना पड़ेगा, बाद में जाके उसका सिलेंडर तक पहुंचेगा तो उसकी बेचारे की तो सारा दिन बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, आप मत जाके देखिए, हमारे आईफोन मत देखिए, हमारे घर जाकर देखिए हमारे बच्चों के हालात क्या है, देखिए हमारी पॉकेट के क्या हालात है। आप LG सर को हमारा आईफोन दिख रहा है, वो आके देखे कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो दो टाइम खाना नहीं खाते हैं बेचारे।